उधर गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। नाथ पंथ के सेमिनार में शामिल होंगे सीएम योगी। गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह का लोकार्पण भी करेंगे। सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे जिसको लगभग 50 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पूर्वांचल के रंग कर्मियों के लिए ये केंद्र बनकर तैयार हुआ है। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और आज के दिन नाथ पंथ के सेमिनार में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रेक्षा गृह का लोकार्पण करेंगे, सांस्कृतिक केंद्र का भी वो लोकार्पण करेंगे। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, बताइएगा किस तरह के खास कार्यक्रम हैं और जिन प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक भवन का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम योगी, दरअसल उससे कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए आस्था, आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आए और यहाँ पर जो नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है वहाँ पर वो शामिल हुए और वहाँ पर जो नाथ पंथ के योगी हैं उनके बारे में, उनका कहाँ तक विस्तार है और देश दुनिया में उनके कहाँ पर मठ मंदिर और धूना, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से काफ़ी लोगों को बताया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जानकारी नहीं थी। इसके बाद आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो रंग कर्मियों को जो बहुप्रतीक्षित है, बरसों से रंग कर्मी इसका इंतज़ार कर रहे थे इस क्षण का, और महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जो 52 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, ये मुख्यमंत्री रंग कर्मियों को समर्पित करेंगे यहाँ के, और इसके साथ ही सांस्कृतिक केंद्र का भी जो है वो लोकार्पण करेंगे, और लगभग जो है 1100 लोगों के बड़ा जो हॉल है उसमें बैठने की, और छोटा हॉल है वहाँ पर 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और एक तरह से पूर्वांचल के रंग कर्मियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और आस्था बता दें 12:30 बजे के करीब इस कार्यक्रम का वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इसके पहले 10:30 बजे चरगामा ब्लॉक में वो किसान सम्मेलन में जाएंगे और किसान कल्याण योजना जो है उसके तहत किसानों से मिलेंगे और वहाँ पर कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि राजकीय कृषि विद्यालय का और प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पर शिलान्यास भी उनको करना है, और इसके बाद संभावना जताई जा रही कि संभवतः कल भी मुख्यमंत्री गोरखपुर रहेंगे और यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। आस्था, जी हाँ बिल्कुल, तो आज पूरे दिन भर एक कार्यक्रम रहने वाले हैं और 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है सीएम योगी। कल भी उनके कई कार्यक्रम रहेंगे, आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया।